अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? हम ठीक हैं। ये मेरी मानो आज स्कूल नहीं गई, स्कूल के लिए सुबह रेडी हुई थी तो लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, स्कूल ऑफ हो गया। और ये नूरे हरम खेल रही है। नूरे हरम बनी हुई है वाटरमेलन। हाँ ब्यूटीफुल। अब हमारा दिल कह रहा है, हम पहले तो उनका घर पास होता था, हमारा दिल करता था हम घर जाते थे उनके तरह। दूरा पापा 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 जब हमें जाने देते हम चले जाते हैं। सची रे की छुट्टी हुई करेंगे, जाए करेंगे। अब थोड़ा बिबल भी आने वाली है ना, छुट्टी हो जाएगी। रबी लवल आने वाली है, रबी लवल की तैयारियाँ चल रही है। अभी हमने शॉपिंग करने भी जाना है। शॉपिंग करेंगे। हम आपको दिखाते हैं जादू से फड़ो। चलो आओ। नूर, आपने शॉपिंग नहीं करनी? आप भी कोई बात कर लो गाइस से, कोई बात नहीं करनी। ऐसे दिखे जाऊं। नूर भी खुश हो गई है। कहाँ सोच रहे हो, कहाँ देख रहे हो? हरम बोलती है बाबा आजो। कैसे बोलते हो आप? बाबा को आवाज दो। बाबा, पापा को आवाज दो, पापा को बुलाओ। हरम इसके सेल खत्म हो गए। इसके सेल अब इसके ताया से मंगवाएंगे। हाँ, फिर इसमें सेल डालेंगे। ये हम किधर से लाए थे? मक्का मुकरमा से लाए, मदीना मुनव्वरा से लाए थे। हाँ जी, तो आपको कुछ बातें याद है मदीना मुनव्वरा की, जब आप उम्रे पे गई थी? हाँ जी। क्या क्या करती थी उधर? खेलते थे बच्चों साथ, टूटर का बैठे थे, उतरते थे। हमारी लग रही थी, मैं तो छोटी थी नीचे, पहले दुआनी बड़ी होगी या अब दोनों बड़े हो गया। हम सब अमर भी करते थे, ड्राफ भी करते थे, पिटते थे, सारा पानी पीते थे, जो जो थे हमने घर जाके। और बोर हो जाए अल्लाह ताला के घर का। दिल करता दोबारा जाने का? हाँ, मेरा बहुत दिल कर ही जाता है, दिल कर ही जाता है। अल्लाह ताला कहीं जाऊँ जा तो मुझे और भी खाने लेने। हराम जी, मैं आपको मोबाइल कर रही हूँ। अभी मैं आलू के पराठे बना लूँगी और दोपहर को मैं इसी की टिक्कियाँ बना लूँगी। ये नूर होने लग गई थी तो पेठी मैंने अलग बना ली थी। अभी ये लास्ट पराठा था तो मैं उनके में रिकॉर्ड करूँ। स्टफिंग ऑयल मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये पराठा मेरा रेडी हो गया था और आलू की स्टफिंग मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझसे वैसे खाया नहीं जाता स्टफिंग जब तक ज़्यादा ना हो, आलू की हो, गेमे का, जिस चीज़ का भी पराठा हो, इसके अंदर से धोए चेक करें। ये बच्चे स्कूल से आ गए थे, आज फ्राइडे था, छुट्टी जल्दी हो गई थी ना। और ये साथ ही देखें, ये ग्रेप्स खा रहे हैं। हरम भी इनके साथ बैठी खा रही हैं ग्रेप्स। हरम ग्रेप्स खा लो आप भी। अपा खिला रही है आपको? मैं आज बनाने लगी हूँ शिमला मिर्च और चिकन, तो रेडी करती हूँ मैं। साथ साथ आपको भी दिखाऊंगी मैं किस तरह बनाती हूँ, अपनी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड कर जब थोड़ा सा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। अगर ठंडा जब ऑयल हो, जब ऑयल के साथ चिकन ऐड कर दे तो जो चिकन है वो चिपकना शुरू हो जाता है और टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा जो ऑयल है उससे पहले थोड़ा सा हीट करें, फिर उसमें चिकन ऐड करें, फिर ये कभी भी साथ नहीं चिपकेगा बर्तन के और ख़राब भी नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। तो उसके बाद मैंने साथ साथ ये मसाला वगैरह मैंने ग्राइंड कर लिया था, टमाटर अदरक हरी मिर्च लहसुन वगैरह सब कुछ ऐड करके इसमें मैंने उसका पेस्ट बना लिया। और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी और इसमें जब ये मसाले वगैरह पक जाएंगे अच्छी तरह से, फिर मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी।
स्पाइसेस आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा जितना डालना चाहते हो उतना डाल लें। तो जब ये पक जाएगा अच्छी तरह से तो फिर तकरीबन और कल फिर मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी जिस वजह से मैंने वो बाकी रिकॉर्डिंग नहीं की चिकन और शिमला मिर्च की। नेक्स्ट डे मैंने फिर ये आलू गोभी का सालन बनाया। इसके लिए मैंने आम रूटीन के जैसे मसाला ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना कर उसे अच्छी तरह से भून के स्पाइसेस वगैरह ऐड करके उसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जब भी आलू गोभी बनाए उसमें पानी कम ऐड करें और लो आंच पे पकाएं। वो यह कि वो पक भी जाती है उसका टेस्ट भी उसी तरह रहता है। नहीं तो ज़्यादा पानी डालें तो वो अजीब सा टेस्ट भी हो जाता है और उसका जो जैसे खड़ी खड़ी बोलते हैं जैसे उस तरह भी नहीं होती, मिक्स हो जाती है। जब मसाला अच्छी तरह पक जाएगा फिर मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से। आप कम ज़्यादा जितना भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऊपर मेरी काम कर गई है और मैं खाना बना रही हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, सैटरडे था, सैटरडे इनका ऑफ होता है। उनके कज़न वगैरह आए मैं तैयार होकर बच्चे उनके तो उनके साथ खेल रही हूँ। सैटरडे था, इनका ऑफ था, तो लेसन के कज़न आए हुए हैं, उनके साथ खेल रही हूँ। मसाला मेरा फ्राई हो गया, मैं इसमें स्पाइसी वगैरह ऐड करूँगी। स्पाइसी वगैरह सारे सब्जी मैंने ऐड कर ली थी, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी एक गिलास और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये जो डेरी है ये लोगों के कपड़े जो छोटे हो गए हैं अलहदा किए हैं किसी को देने के लिए। ये जो है ये सर्दी वाले हैं और वो उसके ब्लैंकेट और टॉवल है और ये इसके यूज़ वाले कपड़े हैं सारे, इन्हें अलहदा किया जो भी इसके यूज़ में अभी जो इसे पूरे हैं। इसको इसकी ये फ्रॉक मुझसे ख़राब हो गई। वो कपड़े जो थे इसकी दुआ की एक जींस का कलर उतरता था, न्यू थी अभी फर्स्ट टाइम तो आई थी, मुझे नहीं था पता कि उसका कलर उतरेगा। इसको भी उसका कलर लग गया और इधर इसकी एक पिंक कलर की फ्रॉक थी यहाँ, वो आई थिंक मैंने रख दिया शायद, उसको भी उसका कलर लग गया था। और ये जो कपड़े हैं सारे एक बार मैं फिर से वॉश करूँगी क्योंकि हुआ तो वॉश, लेकिन थोड़े थोड़े ना जैसे थोड़े थोड़े से कहीं कहीं पे दाग हैं जो अच्छी तरह से नीट नहीं हुए क्योंकि वो मशीन ऑटो है तो सब कपड़ों में मिक्स कर दो, जो छोटा सा बीच में रह जाता है अच्छी तरह वॉश नहीं हुआ। तो इन्हें मैं दोबारा से सारा अलहदा से डाल के करूँगी। और जो ये फ्रॉक है ये दुआ की थी और ये इसकी नानों को मैंने दी थी कि किसी को दे दें, तो उन्होंने दी नहीं किसी को, तब से संभाली हुई थी। तो अब मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो मैं लेके आई। जी गाइस ये बच्चे रेडी हो गए हैं, नूर को भी कपड़े चेंज कर दिए थे। हरम ये दुआ भी रेडी हो गई, इसके ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है और हरम खुद को देख रही है शीशे में। आप मिरर देख रहे हो हरम? इधर तो देखो हरम, मम्मा तरह देख लो। और मेरा सालन भी जो मैंने पानी ऐड किया था वो भी खुश्क होने वाला है। पानी खुश्क हो गया, अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। बस इनके ट्यूशन का टाइम होने वाला है, ये ट्यूशन चली जाएंगी, नूर सो जाएगी, है ना? ये ज़ारा भी रेडी हो गई है, उनके दादा वो आ गए। चलें खाना खाएं, अब जाएं ट्यूशन फिर। ज़ारा को सालन खाना नहीं पसंद, ज़ारा को आप चीनी के साथ चाहे रोटी दे दें,
नूडल्स लेके जाने हैं तो वो भी चीनी वाले, अगर कोई भी चीज़ है चावल है तो उसके ऊपर भी चीनी, चीनी हर चीज़ में चीनी खाती है ये। और ज़्यादा को दुआ को चटपटी चीज़ें पसंद हैं, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, गोलगप्पे, भटूरे और क्या क्या, मीठे के पास ये नहीं जाती। और वो इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट ढाका भैया की बिरयानी। जी गाइस, बच्चे एकेडमी चले गए थे, हर अब सो गई और मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगी जो ये थोड़ा सा कमरा नीट करने वाला, इसी से बिकनी है ये समेटनी है। तो बाकी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगने तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।